जी तो ये देखिए हमारी कटोरी चाट रेडी हो चुकी है और हमने इसको ऐसे इसका फाइनल लुक दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस उस्मानी व्लॉग। आज हमारे किचन में बन रही है कटोरी चाट, और कटोरी चाट कैसे बनेगी वो हम आपको बताएंगे आज की रेसिपी में। तो चले आज की रेसिपी हम आज स्टार्ट करते हैं। मैदा है 2 कप, जीरा है 1 टीस्पून, सही, नमक है 1 टीस्पून, घी है 1 टेबल स्पून, और अजवाइन है 1 टीस्पून, और ये पानी है। चलें सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक, फिर हम डालेंगे अजवाइन, जीरा, इसको भून देंगे। पानी डालेंगे इसमें, अब हम इसमें घी शामिल कर रहे हैं और फिर हम इसको गूंद लेंगे। खस्ता का घी डाल के ऐसे लम्स की तरह मिक्स कर लेंगे इसको पहले अच्छे से, और फिर इसको हम गूंद लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और हल्के हाथ से इसको गूंदते रहेंगे। इतना गूंदना है कि अच्छी सी एक सॉफ्ट डो की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखिए हमारी सॉफ्ट की डो तैयार हो गई है, और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी तेल की ब्रशिंग करेंगे ताकि जो है ना इस पर पपड़ी वगैरह ना आए। और कितनी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे? 10 टू 20 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। फिर उसके बाद इस आटे की हम जो है ना कटोरियाँ तैयार करेंगे। देखिए हल्के से हाथ से जो है ना इसको हम लगा देंगे तेल अच्छे से। हमारे डो को 10 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं, उसे खोलेंगे। ये राइज नहीं होगी क्योंकि इसमें ईस्ट वगैरह तो है नहीं, लेकिन इस पर सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि हम तेल लगा के रखेंगे। तेल लगा के रखा था तो आप देखेंगे कोई पकड़ी भी नहीं आई और सॉफ्ट भी होगी। अब हमने इसको 2-3 मुट्ठी लगा ली हैं। अब हम इसको बीच से हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद फिर हमें थोड़ा सा उसको और सॉफ्ट करेंगे 2-3 मुट्ठी लगा के। उसके बाद हम उसे कटर में कट करके उनके गोले पेड़े बनाएंगे, और फिर उनको बेलेंगे, और फिर उसमें से कटोरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, लेकिन ये हम इसको अभी बेलेंगे तो ये थोड़ा थिक करेंगे, जितना थिक बेलेंगे कर लेंगे उतनी ही आपकी क्रिस्पी कटोरी बनेगी। ये देखिए हमने जो एक पेड़ा बनाया था उसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पतली रोटी की तरह बेल लेना है आपने अच्छे से। फिर उसके बाद आपके पास कोई सा भी घर में गोल कटर अवेलेबल हो, गोल कटर हो या ढक्कन हो, उससे हम जो है ना उसकी मदद से अभी हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए हमने उस रोटी को पतला पतला बेल लिया था। उसके बाद आपके पास घर में कोई सा भी सेंटर ऐसा गोल कटर मौजूद हो या ढक्कन मौजूद हो, उसकी मदद से आप इसको ऐसे जो है ना गोल गोल शेप दे देंगे। हमने ऐसा जो है ना गोल गोल इसको पूरियों की तरह हमने इसका शेप दे लिया है, और जितना भी बाकी का एक्सेस जो सामान है यानी कि एक्सेस आटा जो था वो अब हम इसको ऐसे हटा लेंगे, और ऐसे इस पे जो है ना हम कांटों की मदद से ऐसे इसके छुपे छोटे छोटे से ना फोल कर देंगे। ये देखिए इसमें आप अक्सर जो है ना इसको कटोरी का शेप दे रही हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसे स्टार टाइप के कप अवेलेबल हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकती हैं। ये हमारे पास ऐसी ये एक ऐसी शेप की कटोरी है, तो हमने सोचा कुछ कटोरी को नया शेप दिया जाए। तो इसमें देखें अक्सर जो है ना इसको ऐसा ट्रायंगल सा शेप दे रही हैं। ना हमारे पास एक स्टार कटोरी हमारे पास घर में अवेलेबल थी, तो उसको हमने ऐसा एक स्टार का शेप दे लिया है। अगर आपके पास भी घर में ऐसी कटोरियां अवेलेबल हों तो आप ऐसे भी कटोरियों को शेप दे सकते हैं और बेक कर सकते हैं। ये हम अपनी कटोरियां माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रख देंगे, कम से कम 2.5 से 3 मिनट के लिए हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। जी तो ये देखिए हमारी कटोरियां बेक हो चुकी हैं। ये हमने स्टार शेप दिया था, तो जो है ना इसमें देखिए स्टार शेप में हमारी बेक हो चुकी है, और ये हमने ट्रायंगल शेप दिया था तो ट्रायंगल शेप में बेक हो चुकी है। हमारे पास माइक्रोवेव था तो हमने माइक्रोवेव की है। आप इसको अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, और अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई करके भी कटोरियों को शेप दे सकते हैं। देखिए पहले हमने आपको बेक कटोरी दिखाई थी, फिर हमने यहाँ पर थोड़ी कटोरियों को फ्राई भी किया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी भाभी फ्राई कर रही हैं, इन्होंने ऐसे ये दूध का जो बाउल होता है इसकी मदद से कटोरी को शेप दिया है। ये देखें ये वाली वो वाली कटोरी है जो हमने फ्राई की है यानी कि डीप फ्राई ऑयल में, और ये वाली कटोरी हमने बेक्ड की है। आप चाहें तो जिस शेप में भी कटोरी तैयार कर सकते हैं, हमारी बाकी कटोरियां भी तैयार हो जाएं तो फिर हम इसमें फिलिंग शुरू करेंगे। जी तो हमारी कटोरियां तैयार हो चुकी हैं, अब हम इसमें फिलिंग करने जा रहे हैं, और फिलिंग के लिए हमारे जो अज्जा हैं वो सारे ये रहे, ये दही बड़े के बड़े हैं,
छोले लिए हैं, ये दही लिया है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी हमने चीनी डाली है पिसी हुई और उसको ऐसे फेंट लिया है। बारीक कटे हुए आलू हैं, ये क्या कहते टमाटर है, चाट मसाला, चटनियाँ हैं, हरी चटनी, इमली की चटनी, इमली का पानी और ये थोड़ी सी पापड़ी। और अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। जी तब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आपने पहले इसमें दही बड़ा डाल दिए हैं, इसमें गए हैं थोड़े से छोले, उबले हुए, सादे उबले हुए ये छोले हैं, इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अभी हमने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, पाउडर डालेंगे बॉल किए हुए, हम डालेंगे इसमें हरी चटनी, डालेंगे थोड़ा सा इमली का पानी, क्या लाजवाब टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा सा ये टमाटर और प्याज दोनों है, ज्यादा नहीं डाल रही वरना खराब हो जाता है। इसमें डाल रहे हैं पापड़ी, इस तरीके से जैसे ये एक कटोरी तैयार की है बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी बाकी कटोरियां भी तैयार कर लेंगे और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक और फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। जी तो ये देखिए हमारी कटोरी चाट रेडी हो चुकी है और हमने इसको ऐसे इसका फाइनल लुक दे दिया है। आप भी जो है ना हमारी रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यार ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। एंड में हम यही कहेंगे कि जो है ना हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और एंड में अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।